हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के बारे में पढ़ा, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा कि क्या है, उसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ है, इनैक्टमेंट कब हुई, और कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़े जो इसके स्कोप से एक्सक्लूडेड डॉक्यूमेंट्स हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब आज का जो टॉपिक जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक, ऑब्जेक्टिव ऑफ आईटी एक्ट 2000। देखिए स्टूडेंट, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आईटी एक्ट 2000 इज टू प्रोवाइड लीगल रिकॉग्नाइजेशन फॉर ट्रांजेक्शन कैरिड आउट बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज एंड अदर मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, कॉमनली रेफर टू एज ई कॉमर्स। तो देखिए, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आईटी एक्ट 2000 की, कि लीगल रिकॉग्नाइजेशन प्रोवाइड करना, यानी कि अगर ई कॉमर्स के थ्रू कोई ट्रांजेक्शन हो रही है उसको लीगल रिकॉग्नाइजेशन प्रोवाइड करना, यानी लीगली वो काम हो जाए, मतलब जो अगर काम इलेक्ट्रॉनिक यानी ई मीन्स के थ्रू हो रहा है, ई कॉमर्स के थ्रू जो भी काम हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक डाटा के रूप में इंटरचेंज के रूप में काम हो रहा है, तो उसको लीगलिटी मिल जाए। ठीक है, तो लीगल इसको रिकॉग्नाइजेशन प्रोवाइड करना इसका काम है। ठीक है, विच इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव टू पेपर बेस्ड मैथड ऑफ कम्युनिकेशन एंड स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन टू फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग द डॉक्यूमेंट विद द गवर्नमेंट एजेंसीज। इसके अंदर क्या इन्वॉल्व है कि बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं टू पेपर बेस्ड मैथड ऑफ कम्युनिकेशन, मैथड ऑफ कम्युनिकेशन है पेपर बेस्ड जो है, उसको स्टोरेज ऑफ कोई भी कम्युनिकेशन है जिसके जिसको पेपर में रखना है आपने। ठीक है, यानी इन्फॉर्मेशन है पेपर बेस्ड इन्फॉर्मेशन है उसको आप पेपर्स पे रख रहे हो, और स्टोरेज जिसकी इंफॉर्मेशन की स्टोरेज है उसको हम पेपर पे ना लिखकर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स के अंदर रखते हैं गवर्नमेंट एजेंसी के अंदर, उसको मतलब आगे बढ़ाना, उसको मतलब उसको आगे लेके जाना, उसकी प्रोग्रेस में आईटी एक्ट हमारी मदद करता है कि गवर्नमेंट एजेंसी के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन की स्टोरेज है, जो ऐसी कम्युनिकेशंस हैं वो किसके थ्रू हो, आईटी एक्ट के अंतर्गत हो, यानी डिजिटली हो, ई कॉमर्स के थ्रू हो। बिसाइड इट आल्सो एडवाइसेस टू स्टॉप कंप्यूटर क्राइम एंड प्रोटेक्ट प्राइवेसी ऑफ इंटरनेट यूज़र, और इसके साथ साथ ये भी ये आल्सो ये इसके ऊपर भी वर्क करता है कि कंप्यूटर क्राइम कम हो जाए और जो प्राइवेसी है इंटरनेट यूज़र्स की वो भी प्रोटेक्ट रहे, क्योंकि देखो अगर सारा काम डिजिटली होगा तो इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी है कि फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि आजकल कंप्यूटर में डाटा हैक कर लिया जाता है, हैकर होते हैं बड़े बड़े, वो डाटा हैक कर लेते हैं, तो इसलिए उन चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए भी, यूज़र इंटरफेस के लिए भी, जो इंटरनेट यूज़र्स हैं उनकी प्राइवेसी पे ध्यान दिया गया है कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए। अब देखिए, आप पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं इस एक्ट के। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट है टू ग्रांट लीगल रिकॉग्नाइजेशन टू ट्रांजेक्शंस कैरिड आउट बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज एंड अदर मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, कॉमनली रेफर टू एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इन प्लेस ऑफ पेपर बेस्ड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। यानी सिंपल सी बात है, हमने पढ़ी लिया ऊपर कि लीगल रिकॉग्नाइजेशन लॉफुली उसको पहचान मिले कि अगर हमने कोई काम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किया है तो उसके ऊपर लॉ ग्रांट हो जाए, लीगल रिकॉग्नाइजेशन उस पर मिल जाए उसको ये काम करना, और जो भी कम्युनिकेशन के थ्रू जो है अदर मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को बोलते हैं हम, पेपर बेस्ड मेथड के अदर को छोड़कर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ जाए सब, ये तो फर्स्ट काम हो गया कि लीगल रिकॉग्नाइजेशन मिले उसको। दूसरा देखिए, एक मिनट देखिए, फर्स्ट क्या है, लीगल रिकॉग्नाइजेशन मिल जाए उसको। ठीक है, फर्स्ट हो गया ये। सेकंड देखिए, टू गिव लीगल रिकॉग्नाइजेशन टू डिजिटल सिग्नेचर फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन और मैटर विच रिक्वायर्स ऑथेंटिकेशन अंडर एनी लॉ। देखिए, कोई भी डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है, उसकी ऑथेंटिकेशन कब होती है, जब उसके ऊपर किसी के सिग्नेचर होते हैं। मान लो आप, मैंने जस्ट एग्जांपल नॉर्मल दे रही हूँ, एक सिंपल लॉफुल का नहीं दे रही हूँ, आप अगर साइन करके एक एप्लीकेशन दे रहे हो तो वो ऑथेंटिकेशन है उसका, कि जिसके साइन हो रखे हैं उसने भाई साइन है तो ऑथेंटिक है वो चीज़। ठीक है, उसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है
किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने सिंपल एक पेज पे एप्लीकेशन लिख के दे दी, उस पर किसी के साइन नहीं है, कोई स्टैंप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो दैट मीन्स वो ऑथेंटिक नहीं है, वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये होता है ऑथेंटिकेशन। तो अगर डिजिटल सिग्नेचर को ऑथेंटिकेशन मिल जाएगी तो उसको लीगल रिकॉग्नाइजेशन मिल जाएगी, सॉरी डिजिटल सिग्नेचर को जब लीगल रिकॉग्नाइजेशन मिल जाएगी तो क्या होगा, उसकी ऑथेंटिकेशन बन जाएगी, ठीक है, उसको हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। तीसरा देखिए, टू फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करना कि जो इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट है विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकें, यानी कि आप अपा जो गवर्नमेंट के वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं हम उसे हम अप्लाई कर सकें इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के थ्रू, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर के थ्रू जाके। भाई ये नहीं है हर कोई भी काम है छोटा छोटा गवर्नमेंट सोसाइटी में जाओ, गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ, वहाँ जाके फिर जमा करवा के आओ, ऐसा नहीं है, हार्ड कॉपी में नहीं है। अगर इसका काम है आईटी एक्ट का कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम क्या भर सकें, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के थ्रू भर सकें, प्रोवाइड कर सकें, मतलब यूज़ कर सकें उसको, ठीक है। फोर्थ है, टू फैसिलिटेट द इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑफ डाटा, जो देखिए जब मान लो कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिस है, ठीक है, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी स्टोरेज होता है। स्टोरेज कैसे होता है, पेपर में होता है, बड़ी बड़ी फाइलें बना बना के रख देते हैं, उनमें क्या कहते हैं वो लग रहे होते हैं, कीड़े लग रहे होते हैं, है ना, ख़राब हो जाती हैं पड़े पड़े। तो वो ख़राब ना हो इसलिए क्या है, उसको इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में स्टोर करना, ठीक है, ये काम है आईटी एक्ट का। फिफ्थ देखिए, टू सेट अप लाइसेंसिंग मॉनिटरिंग एंड सर्टिफाइंग अथॉरिटीज टू ओवरसीज इश्यूज लाइक जरिस्डिक्शन ओरिजन ऑथेंटिकेशन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एंड कंप्यूटर क्राइम्स। देखिए क्या करते हैं ये, यानी कि लाइसेंसिंग सेटअप कर दी है, लाइसेंसिंग मॉनिटरिंग और सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, यानी कि आईटी एक्ट को ऑथेंटिक बनाने के लिए और उसकी जो प्राइवेसी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कंप्यूटर क्राइम्स को कम करने के लिए लाइसेंसिंग की पॉलिसी सेट कर दी गई है, उसको मॉनिटर करते हैं, ठीक है, उसकी और सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ अथॉरिटी रख दी हैं जो उनको लाइसेंसिंग प्रोवाइड करती है, मॉनिटरिंग करती है उनकी और सर्टिफाइंग करती है, किस चीज़ के लिए, ताकि जरिस्डिक्शन हो सके, ओरिजिन उसका पता चल सके, ऑथेंटिकेशन रह सके, जो भी ऑथेंटिक रहे, जिस पे विश्वास करने योग्य है वो जो चीज़, ठीक है, प्राइवेसी प्रोटेक्शन रहे, ठीक है, और कंप्यूटर क्राइम्स कम हो, ठीक है। सिक्स देखिए आगे, टू एस्टैब्लिश साइबर रेगुलेशन एपलेट ट्रिब्यूनल फॉर हियरिंग अपील्स अगेंस्ट डिसीजन ऑफ द एडजुकेटिंग ऑफिसर। ये देखिए, एक साइबर रेगुलेशन एपलेट ट्रिब्यूनल सेट करी है जो कि अपील सुनेगी किसकी, किसके अगेंस्ट, जो डिसीजन लेती हैं एडजुकेट ऑफिसर्स, जो भी उसके रिगार्डिंग आईटी एक्ट के अंतर्गत जो भी एडजुकेटिंग ऑफिसर है वो जो भी डिसीजन लेते हैं उसके रिगार्डिंग अगर किसी को परेशानी है उस डिसीजन से, तो वो उसके रिगार्डिंग क्या करेंगी, उनकी अपील सुनेंगी। सेवन देखिए, टू फैसिलिटेट एंड गिव लीगल सैंक्शंस टू इलेक्ट्रॉनिक एंड ट्रांसफ़र बिटवीन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्या प्रोवाइड करती है, फैसिलिटी प्रोवाइड करती है और लीगल सैंक्शन प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रॉनिक एंड ट्रांसफर्स बिटवीन बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र हो रहे हैं बैंक के बीच में एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में, उनको क्या प्रोवाइड करती है, लीगल सैंक्शंस प्रोवाइड करती है, ठीक है, मतलब उसके ऊपर लॉ एस्टैब्लिश हो जाता है। तो देखिए, अगर हम एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, तो पहले क्या होता था, अगर डिजिटल नहीं होता था, जब डिजिटल इंडिया नहीं था, तब क्या करते थे हम, पहले जाके बैंक में से पैसे निकलवाते थे, फिर जाके जिस बैंक में जमा करवाना था उसमें करवाते थे, ऐसा होता था ना। अब क्या करते हैं, सीधा ई बैंकिंग के थ्रू एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। एट देखिए, टू गिव लीगल रिकॉग्नाइजेशन फॉर कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट बाय बैंकर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, यानी जो बैंकर्स हैं वो क्या करते हैं, अब सारी जो भी ट्रांजेक्शन होती है रोज की उसको किस में लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर लिखते हैं, और इसको
लीगल रिकॉग्निशन किसके थ्रू मिली, इस आईटी एक्ट के अंतर्गत, ये ऑब्जेक्टिव है इसके, ठीक है। नाइन्थ है टू सपोर्ट द एडमिशन ऑफ कंप्यूटर एविडेंस इन कोर्ट एंड आर्बिट्रेशन प्रोसेस, जो कोर्ट है उसके अंदर भी कंप्यूटर को लाया गया ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी स्टोरेज की जा सके, ठीक है। Thus, the objective of the act include enabling or facilitating the use of e-commerce and provide equal treatment to user of paper-based documentation and to user of computer-based information. देखिए, तो इसका objective क्या है कि ये facilities को enable करे use of e-commerce and providing equal treatment to user, कि हम e-commerce को use करें और equal treatment दे users को paper-based की जो documentation है उन सबको, मतलब क्या है, equal treatment दे एंड टू द यूज़र ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन, मतलब दोनों को इक्वल जो ट्रीटमेंट मिले, पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन को भी, यानी जिसके ऊपर जिसमें पेपर यूज़ किए जा रहे हैं, और कंप्यूटर बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन को भी। द एम ऑफ एक्ट इज़ टू प्रमोट एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज बाय मीन्स ऑफ रिलायबल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। एम क्या है इस एक्ट का, कि प्रमोट करे एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट जो सर्विसेज है उसकी एफिशिएंट डिलीवरी को प्रमोट करे, इसके थ्रू रिलायबल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के थ्रू, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये अपना ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट था कि आईटी एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ पूछ ही लिया जाता है एग्जाम के अंदर कि ऑब्जेक्टिव क्या है आईटी एक्ट, ये पूछ लेते हैं आईटी एक्ट क्या है, कब इनएक्ट हुआ और व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईटी एक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि आईटी एक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनोजिया मैम, एंड आल्सो हिट द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस। थैंक यू स्टूडेंट्स।